साकी का अगला दोहा है, ब्रह भुभंगम तन बस है, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बौरा होई। तो प्रस्तुत पंक्तियों में राम से प्रेम करने वालों के बारे में बताया गया है कि जो लोग राम से प्रेम करते हैं वो उनके बिना नहीं रह सकते। तो आइए देखते हैं इसका क्या अर्थ होगा। ब्रह भुभंगम तन बस है, मंत्र न लागे कोई। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं, जब ब्रह भुभंगम, ब्रह माने ब्योक, भुभंगम माने सांप, जब ब्रह रूपी सांप का विष तन में बस जाता है, तन में लग जाता है, व्याप्त हो जाता है, मंत्र न लागे कोई, तब कोई भी मंत्र और झाड़ फूक इस विष से इंसान को बचा नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो राम का, जो राम को प्रेम करते हैं जो लोग, अगर उनसे बिछड़ जाते हैं तो जो ये ब्रह रूपी सर्प का जो विष है वो अगर उनके तन में व्याप्त हो जाता है, मतलब उनको भगवान की लगन लग जाती है और उनका क्या होता है, भगवान से ब्रह हो जाता है, वियोग हो जाता है, तो ये जो विष है वो क्या करता है, बहुत अधिक घातक हो जाता है। क्योंकि सांप का जो विष है वो तंत्र मंत्र के द्वारा उतारा जा सकता है, लेकिन जो भगवान राम का ब्रह रूपी विष है उसको नहीं उतार सकते। राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बौरा होई। जिसको भगवान राम की लगन लग गई है, जो उसके बिना नहीं रह सकता, तो क्या होता है, अगर राम का, राम से वियोग हो जाता है, राम से अगर वो दूर चला जाता है तो क्या होता है, न जीवे, तो वो जीवित नहीं रहता। जीवे तो बौरा होई, अगर वो जी जाता है, अगर वो जीवित रहता है, जीता है, तो क्या हो जाता है, बौरा जाता है, पागल हो जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो राम के ब्रह का विष है वो बहुत अधिक घातक होता है। तो सांप और विष का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है और राम वियोगी की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है और बताया है कि राम के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, अगर रहता है तो वो पागल हो जाता है। इसमें शिल्प सौंदर्य सब में वही लिखा जाएगा कि भाषा क्या है, सरल है, सहज है, उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, दुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है और ब्रह पीड़ा के लिए सर्प और विष का उदाहरण बहुत ही सुंदर बना है यहाँ पर। तो ब्रह पीड़ा के लिए यहाँ पर सर्प का उदाहरण दिया गया है और उनके, उसके विष का उदाहरण दिया गया है। और रूपक अलंकार का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, तो अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगला है, निंदक न्योरा राखिए, आंगल कुटी बंधाए, बिन सावर पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने जो निंदक लोग हैं, जो निंदा करते हैं हमारी, उनको अपने पास रखने की सलाह दी है। तो वो कहते हैं निंदक न्योरा राखिए, तो निंदक लोगों को, जो हमारी निंदा करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, न्योरा माने पास में रखना चाहिए, आंगल कुटी बंधाए, कहाँ पर रखना चाहिए, पास में, आपने ही आंगन में कुटी बनाकर अपने निकट स्थान देना चाहिए। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो निंदक लोग होते हैं उनकी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उन्हें आदर सहित अपने आंगन में कुटी बनाकर अपने निकट स्थान देना चाहिए। बिन साबर पानी व्यापारी बिना, निर्मल करे सुभाए। तो जैसे साबुन होता है और पानी होता है, उससे क्या होता है, वस्त्र हमारे साफ हो जाते हैं, कपड़े साफ हो जाते हैं, और बिना और साबुन के और पानी के कपड़े साफ नहीं होते। तो उसी प्रकार जो निंदक लोग होते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, वो हमारे स्वभाव को क्या कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। क्योंकि जो निंदक लोग होते हैं उससे क्या होता है, हमारे दोषों को दिखाते हैं हमारे, तो हम क्या करते हैं, हम अपने दोषों को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे सारे जो हमारे अंदर जो दोष होते हैं, हमारे अंदर कमियां होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं और जो हमारा हृदय है वो निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो जो निंदक लोग होते हैं वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, तो उनको हमको हमेशा पास में रखना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वो हमारे लिए साबुन और पानी का काम करते हैं और हमारे जो स्वभाव है, हमारा जो हृदय है, उसको वो क्या करते हैं, स्वच्छ बना देते हैं। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं, उन्होंने निंदक लोगों को अपने पास ही रखने की सलाह दी है। तो शिल्प सौंदर्य में आपको क्या लिखना है, वही लिखना है सब कुछ जो सब में लिखा है, कि साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, भाषा सरल है, सहज है,
और बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। अलंकारों का प्रयोग किया गया है और इसमें बताया गया है कि सच्चा हितैषी वही होता है जो हमारे दोषों को दूर करने में सहायक होता है। तो जो निंदक लोग होते हैं वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, हमारे हितैषी होते हैं, हमारा हित चाहते हैं। तो अपने दोषों को सुनकर हमें व्यथित नहीं होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, अपने दोषों को दूर करना चाहिए निंदक लोगों की, जो निंदा करते हैं उनकी बात को सुनकर, क्यों जो हमारी निंदा करते हैं वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अगला है, पोथी पर पर जग मुआ पंडित भया न कोई, एक ही अशिर पीप का पढ़े सो पंडित होए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर दास जी ने बताया है कि जिसने भगवान के दो अक्षरों को जान लिया है, जिसको भगवान की लगन लग गई है, ईश्वर की लगन लग गई है, वही सच्चे अर्थों में विद्वान होता है, पंडित होता है। और जो लोग शास्त्र पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि वो विद्वान है, तो वो सच्चे अर्थों में विद्वान नहीं होते। तो आइए देखते हैं इसका क्या अर्थ होगा, पोथी पर पर जग मुआ पंडित भया न कोई। तो कबीर दास जी कहते हैं कि शास्त्रों को पढ़ पढ़कर सारा संसार जग माने संसार मुआ माने मर गया। तो शास्त्र पढ़ पढ़कर सारा संसार मुआ नष्ट हो गया या मर गया, सारा संसार नष्ट होता चला जा रहा है। पंडित भया न कोई, लेकिन सच्चे अर्थों में कोई भी पंडित या विद्वान नहीं बन पाया। एक ही अशिर पीप का पढ़े सो पंडित होए। तो कबीर दास जी कहते हैं कि जिसने राम के दो अक्षरों को जान लिया है, पीप माने प्रीतम, तो प्रीतम कौन है यहाँ पर, राम है, भगवान है। तो एक ही अशिर पीप का, जिसने राम के दो अक्षरों को जान लिया, पढ़े सो पंडित होए, तो वही क्या है, सच्चे अर्थों में पंडित होता है, विद्वान होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि शास्त्र पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आप विद्वान नहीं बन जाएंगे जब तक कि आपके अंदर ईश्वर की लगन ना हो। अगर आपके अंदर ईश्वर की लगन लग गई है और आपने ईश्वर के दो अक्षरों को जान लिया है, भगवान के दो अक्षरों को जान लिया है, तो आप क्या बन जाते हैं, विद्वान या पंडित बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो कबीर दास जी हैं उन्होंने प्रेम मार्ग की श्रेष्ठता पर बल दिया है, बताया है कि ईश्वर से जो प्रेम है वही हमको विद्वान बनाता है, वही पंडित बनाता है। तो इसका जो शिल्प सौंदर्य है उसमें सदुक्री भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, भाषा सहज है, सुबोध है, बस सटीक है और उपदेशात्मक शैली को अपनाया गया है। और कहीं कहीं पर अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार परि परि में, क्योंकि एक ही शब्द को दो बार बोला गया है, उसकी पुनरुक्ति हुई है, उसको बार बार बोला गया है। और पोथी परि परि में अनुप्रास अलंकार है। अगला है, हम घर जा लिया आप रा लिया मुरारा हाथ, अब घर जालो तास का जय चले हमारे साथ। तो यहाँ पर जो कबीर दास जी हैं वो कहना चाहते हैं कि जो ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं उनको जो सांसारिक माया मोह है उसको त्यागना होगा। तो आइए देखते हैं इसका क्या अर्थ होगा, हम घर जा लिया आप रा लिया मुरारा हाथ। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हमने अपने घर को जला लिया, कैसे जला लिया, लिया मुरारा हाथ, मुरारा माने जलती हुई लकड़ी, अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, हम घर जाले आप, हमने अपना कौन सा घर जला लिया, हमने जो हमारे अंदर सांसारिक माया मोह और काम क्रोध लोभ ये सब चीज़ें जो विराजमान थी उसको हमने जला दिया है। तो क्या मतलब है कि हमने अपने अंदर से माया मोह के केंद्र इस संसार को जला दिया है। लिया मुरारा हाथ, तो हमारे हाथ में क्या है, जो जलती हुई मशाल है उससे हमने इसको जला दिया। हमारे अंदर क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो हमने जो सांसारिक माया मोह है उसको त्याग दिया। अब घर जालो तास का जय चले हमारे साथ। तो कबीर दास जी कहते हैं जो हमारे साथ चलना चाहते हैं, जय चले हमारे साथ, जो हमारे साथ चलना चाहते हैं, अब घर जालो तास का, उसको भी अपने घर को, तास माने उसका, उसको भी अपने घर को जलाना होगा। यानी कि जो लोग चाहते हैं भगवान की भक्ति में लीन होना चाहते हैं, भक्ति मार्ग को अपनाना चाहते हैं, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भी अपने इस सांसारिक माया मोह के केंद्र इस संसार को जलाना होगा। मतलब अपने अंदर से काम क्रोध लोभ मोह आदि विषयों का त्याग करना होगा, तभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तभी हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है। क्योंकि
क्योंकि जो ये चीज़ें होती हैं ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बाधक होती हैं। तो हमारे अंदर जब तक काम है, क्रोध है, लोभ, माया, मोह, ये सारी चीज़ें विराजमान रहती हैं, ये सारी चीज़ों को हम नहीं त्यागते, तब तक हमें ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमें इन सब चीज़ों को अपने अंदर से क्या करना होगा, जलाना होगा, ख़त्म करना होगा, तभी हमें ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। इसका जो शिल्प सौंदर्य है, भाषा शैली है, वो सब में एक जैसी ही लिख देंगे आप तो सही हो जाएगी आपकी। तो सदुक्री भाषा का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, भाषा सरल है, सहज है, आसानी से समझ में आ जाती है, उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ है और मुहावरों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है कौन सा मुहावरा है तो आप लिख दीजिए ऐसे कि मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो हमें अपने अंदर से जो विकार हैं, क्रोध, लाव, लोभ, माया, मोह, इन सब चीज़ों को त्यागना होगा और तभी हमें क्या है, भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया बच्चों। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।